हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस, और टेंस में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि हमें पता है, किसी भी टेंस की स्टडी करने के लिए हमें उस टेंस की तीन बातों का पता होना बहुत जरूरी है, और वे बातें होती है उस टेंस की पहचान, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और उस टेंस की मेन वर्ब। तो आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। जिन वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा आदि शब्द आए, और उन वाक्यों में समय भी दिया गया हो, तब वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज करते हैं। आई और वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन का यूज करते हैं। मेन वर्ब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के रूप में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। टाइम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम सिंस या फॉर का यूज करते हैं, और सिंस और फॉर के बारे में मैंने विस्तार से आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताया था। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल हैव बीन या शैल हैव बीन से देख आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद विल और शैल में से एक को लाएंगे, और फिर नॉट, और उसके बाद हैव बीन का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ले लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और वे सेंटेंसेस जिनके आरंभ में क्या शब्द आए, ऐसे वाक्यों में क्या की अंग्रेजी नहीं लाते बल्कि क्या के स्थान पर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या के स्थान पर विल या शैल का यूज होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर ब्रैकेट में नॉट, यदि नॉट है तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और फिर क्वेश्चन मार्क। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि वे सेंटेंसेस जिनके बीच में क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस की अंग्रेजी बनाते समय जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनको आरंभ में लिखते हैं, जिसको हम क्वेश्चन वर्ड्स से हमने यहां पर प्रदर्शित किया है। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद विल या शैल में से एक आएगा, फिर सब्जेक्ट, और फिर ब्रैकेट में नॉट, यानी कि अगर नॉट है तो फिर वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम, और फिर क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वह दो घंटे से सो रहा होगा, ही सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर टू आवर्स, दो घंटे के लिए फोर का यूज होगा। नेक्स्ट, वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, वे यानी दे, फिर विल आएगा, फिर नॉट, फिर हैव बीन। मैंने आपको बताया था कि अगर नॉट आएगा तो वो विल या शैल के बाद आएगा, फिर प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, क्या आप कल से बाद नहीं पढ़ रहे होंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, शुरू में भी शैल आएगा तो हमारा सब्जेक्ट यू है इसलिए विल आएगा, विल यू नॉट, नॉट को मैंने बताया था कि यदि नॉट आएगा तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट, वे सुबह से क्या कर रहे होंगे, सेंटेंस हमारा इंटर डबल इंटरोगेटिव है क्योंकि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या की अंग्रेजी हम शुरू में लाएंगे, तो वॉट, उसके बाद विल या शैल में से एक आएगा, विल आएगा, फिर दे, और फिर हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग।
तो ये थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।